हाय फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ आप सीखते हैं अकाउंट के साथ टैली। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सेल्स के बारे में। सेल्स ऑर्डर करना, उसकी डिलीवरी करना और उसे पेमेंट करना। तो आइए हम इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस। सेल्स टू सॉफ्ट वर्क लिमिटेड, टू पीसेस ब्लास्टर पेंटियम 400 MX, रेट लग रहा है 52,000 रुपया पर पीस, और दो पीस ब्लास्टर पेंटियम 333 MX, जो रेट लग रहा है 48 रुपया प्रति पीस। और उसके लिए ये ऑर्डर नंबर, चालान नंबर, गोडाउन नंबर, बिल नंबर एंड ट्रेड डिस्काउंट, ये हमें 2% देगा पर आइटम पे। तो हम दो आइटम सेल्स कर रहे हैं, तो इसके लिए हम पहले ऑर्डर करेंगे। तो ये ऑर्डर हम कैसे करें, तो इसके लिए हम ओपन करेंगे टैली ईआरपी 9 और यहाँ से हम आएंगे अकाउंटिंग या इन्वेंटरी वाउचर्स में। यहाँ हम इंटर प्रेस करेंगे। सेल्स ऑर्डर करने के लिए हमें सेल्स ऑर्डर वाउचर्स में जाने होंगे। उसके लिए हम कीबोर्ड से ऑल्ट F5 प्रेस करेंगे। ये हमारे पास सेल्स ऑर्डर की विंडो ओपन हो गई और अब हम यहाँ सेल्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए हमें जो आइटम सेल्स करने हैं वो हम देख लें कि हमें कौन कौन से आइटम सेल्स करने हैं उसके, जिसके लिए हम ऑर्डर करेंगे। तो ये कंपनी का नाम है सॉफ्ट वर्क लिमिटेड और आइटम्स है ब्लास्टर पेंटियम 400 MX और ब्लास्टर पेंटियम 333 MX। यहाँ पे हम डेट डाले 1 अप्रैल 2017 को ऑर्डर करना है। पार्टीज नेम, सॉफ्ट वर्क लिमिटेड से हमें ये ऑर्डर करने हैं। तो यहाँ पे आप ऑल्ट सी से क्रिएट कर सकते हैं लेजर सॉफ्ट वर्क लिमिटेड का। तो हमने बना रखा है सॉफ्ट वर्क लिमिटेड की लेजर, हमने उसे सिलेक्ट किया और हमने इंटर प्रेस किया। इंटर प्रेस करेंगे और आएंगे ऑर्डर नंबर पे। ऑर्डर नंबर क्या था, ऑर्डर नंबर हमारा हर्ज 0223 है, तो हम यहां डाल दें हर्ज 0223 और हम इंटर प्रेस करेंगे। सेल्स का लेजर का अंडर सेल्स अकाउंट ही होता है, तो सेल्स हमने सेलेक्ट किया, हमने इंटर प्रेस किया। अब कौन कौन से आइटम्स के लिए हमें ऑर्डर करने हैं जिसे हम सेल करेंगे, तो एक था ब्लास्टर पेंटियम 233, देखने, और दूसरा था 400, एक था 400 और दूसरा है 333। 400 डेट वही रहने देंगे और हम ये बड़ा बाजार गोडाउन से किया, बड़ा बाजार गोडाउन की ये आइटम्स है ब्लास्टर पेंटियम 400 MX। टोटल आइटम्स थे ये 3 पीस, बट हमें 2 पीस ही ऑर्डर करने हैं। टोटल आइटम्स 3 पीस थे और हमें बिल बनाने हैं 2 पीस के। रेट लग रहे थे हमको 52,000 रुपये प्रति पीस। इंटर प्रेस किया और ट्रेड डिस्काउंट हमारा 2% था। ये देखिए खुद ब खुद अमाउंट ले लिया डिस्काउंट वगैरह काटने के बाद। हम इंटर प्रेस करेंगे, इसी तरह डेट डालेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। दूसरा आइटम्स था बड़ा बाजार गोडाउन का ही,
क्वांटिटी 3 पीस, और बिल बनाने हमें 2 पीस के, और अब हम इंटरफेस कर लेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दूसरा आइटम था हमारा ब्लास्टर 333 mx, उसे भी सिलेक्ट किया, इंटरप्रेस किया। ये भी बड़ा बाजार का आइटम से, टोटल इसका क्वांटिटी 5 पीस था और हमें बिल बनाने हैं 2 पीस के। रेट लग रहे थे 48,000 रुपया, डिस्काउंट 2%, एंड देन हम इसे कुछ नहीं करेंगे, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ हम नरेशन अगर हमें लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते हैं। नरेशन में हम लिख देंगे सेल्स ऑर्डर टू सॉफ्टवर्क लिमिटेड। सॉफ्टवर्क लिमिटेड, ऐसे हमें पता चले कि हमने ये इंट्री क्यों की है और किस कंपनी से की है, देन हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जब हमें जब हम सेल्स ऑर्डर करेंगे तो उससे हमें डिलीवरी भी करनी होगी, तो उसकी डिलीवरी करने के लिए हम डिलीवरी नोट्स वाउचर्स ओपन करेंगे, जिसके लिए शॉर्टकट की है कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F8 प्रेस करेंगे। और ये देखिए हमारे पास डिलीवरी नोट्स वाउचर्स की क्रिएशन विंडोज ओपन हो रखा है। यहाँ डेट डालें, रेफरेंस नंबर और बिल नंबर हमारा दोनों एक ही होता है, तो आइए हम देखें बिल नंबर क्या था हमारा, हर्ष 1135। यहाँ हम डालेंगे हर्ज 1135, इंटरप्रेस करेंगे, पार्टीज का नाम था सॉफ्टवर्क लिमिटेड। यहाँ हमारा ऑर्डर नंबर हर्ज 1135, न्यू नंबर ले लें हर्ज 1135, इंटरप्रेस करेंगे, एंड देन अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और सेल्स का लेजर हमारा सेल्स अकाउंट के अंडर में जाता है, नेम हम डाल दें ब्लास्टर था, बिल नंबर हमारा था 1135। जैसे ही हमने बिल नंबर डाला और ऑर्डर नंबर डाले और हमें कुछ नहीं करना और हम इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरह दूसरा था ब्लास्टर 333 mx, इसमें भी हम ट्रैकिंग नंबर और ऑर्डर नंबर डालेंगे और हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारी डिलीवरी नोट्स की एंट्री तैयार हो चुकी है। इसके लिए अगर हमें नरेशन लिखना है तो हम लिख सकते हैं सेल्स डिलीवर टू सॉफ्टवर्क लिमिटेड, इंटरप्रेस, एंड देन इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने सीखा सेल्स ऑर्डर करना और सेल्स की डिलीवरी करना। अब जब हमने सेल्स ऑर्डर कर दिया है और डिलीवरी कर ली है तो हम उसे पेमेंट भी कर दें, तो उसके लिए हम जाएंगे सेल्स वाउचर्स में, जो जिसकी शॉर्टकट की है F8, कीबोर्ड से हम F8 प्रेस करेंगे। और ये हमारा सेल्स क्रिएशन विंडो ओपन हो चुका है और हम इंटर प्रेस करेंगे, रेफरेंस नंबर जो बिल नंबर है वो हम डाल देंगे हर्ज 1135 पर, चेक कर ले। अगर हम यहाँ बिल नंबर गलत डालते हैं तो हमारा अमाउंट सही सही ये नहीं लेगा। इंटरप्रेस करेंगे, पार्टीज नेम था सॉफ्टवर्क लिमिटेड,
एंड देन हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही हमने बिल नंबर डाला, सारी एंट्री हमें मिल जाएंगी जो हमने सेल्स ऑर्डर के वक्त की थी। ये देखिए सारी की सारी एंट्री। टैली ERP9 की एक ये खासियत है, जो हम लिख चुके होते हैं फर्स्ट टाइम्स और जिसकी लेजर्स बन चुके हैं, वो खुद ब खुद यहाँ हमारे सामने आ जाते हैं। इसे हमें दोबारा नोट्स करने की या फिर टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम इसे इंटर प्रेस करके, हमें कुछ नहीं करना, ये खुद ब खुद एक ऐसा ये सॉफ्टवेयर है जो लोड ले रहा है, और ये हमें इंटर प्रेस करते जाना है एंड देन एक्सेप्ट। और इसके लिए हम नरेशन लिख दें, सेल्स पेमेंट टू सॉफ्टवर्क लिमिटेड। हमने जो सेल्स की, सेल्स के लिए जो ऑर्डर किए थे और जिसके लिए जिसको हम डिलीवरी किए और जिसे हम पेमेंट किए, तो ये हमारा एंट्री बन गया और हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने जो भी एंट्री बनाई है, सेल्स ऑर्डर की, डिलीवरी नोट्स की और सेल्स पेमेंट की, तो वो एंट्री हुई है या नहीं हुई है वो देखने के लिए हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे और यहाँ से पेज डाउन बटन प्रेस करेंगे और आएंगे डिस्प्ले पे। यहाँ पे हाईलाइट व डी प्रेस करेंगे या फिर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से आएंगे डे बुक पे, डिस्प्ले मेनू में इंटर प्रेस किया हमने, हमने जो भी एंट्री की है सेल्स ऑर्डर की, तो हम यहाँ से सेल्स ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए वापस हम एस्केप की से बाहर आएंगे और डिलीवरी नोट्स की एंट्री जो हमने की है वो भी हमारी हो चुकी है। ये देखिए वापस हम स्किप की से बाहर आएंगे और सेल्स की जो हमने एंट्री की है पेमेंट के लिए वो भी हमारी हो चुकी है। वापस हम स्किप की से बाहर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा सेल्स ऑर्डर करना, उसकी डिलीवरी करना और उसे पेमेंट करना, और ये एंट्री हुई है या नहीं हुई है वो देखने के लिए डिस्प्ले मेनू में जाके डे बुक पे सर्च करना। तो आपने सीखा इन्वेंटरी वाउचर्स में एंट्री करना, सेल्स की, सेल्स ऑर्डर्स की और उसकी पेमेंट्स की। तो फ्रेंड्स, अगले क्लास में हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, और आप हमारी DVD परचेज करना चाहते तो हमारी वेबसाइट www.iptindia.com पर लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।